नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ एंड पंजाब जीके से गुरु रिलेटेड काफ़ी क्लासेस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे तुम्हें प्रोवाइड करवा चुके हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपोर्टेंट क्लासेस ने। जो तुम ये वीडियोस नहीं देखी तो वीडियो के एंड में तुम्हें इन्होंने वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, उत्थे जाके एक बार विजिट जरूर कर लियो। तो अज की क्लास में आप सिखा के अठवें गुरु गुरु हरकृष्ण जी और गुरु तेग बहादुर जी नौवें गुरु बारे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों कवर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते दोस्तों, हूँ सीधा आप क्वेश्चन पर आ जाने। क्वेश्चन नंबर 187 नंबर क्वेश्चन की गल करिए, सिख धर्म का अठवां गुरु कौन सी? तो गुरु हरकृष्ण जी सिख धर्म के अठवें गुरु सन। क्वेश्चन नंबर 88 की गल करिए दोस्तों, गुरु हरकृष्ण का जन्म कदों होया सी? तो 7 जुलाई 1656 ईस्वी में कीरतपुर विखे गुरु हरकृष्ण का जन्म होया सी। क्वेश्चन नंबर 189 की गल करिए, गुरु हरकृष्ण के माता पिता का नाम की सी? तो गुरु हर राय जी पिता का नाम सी, माता का नाम सुलक्खणी देवी सी। क्वेश्चन नंबर 190 की गल करिए, गुरु हरकृष्ण जी ने कदों तो कदों तक गुरु गद्दी संभाली? तो 1661 तो लैके 1664 ईस्वी तक गुरु जी ने गुरुगद्दी को संभाल के रखा। क्वेश्चन नंबर 191 की गल करिए, गुरु हरकृष्ण जी ने एक होर नाम वजो जाना जाता से? तो गुरु हरकृष्ण जी ने बाल नबी या बाल पीर या बाल गुरु कहा जाता से। देखो दोस्तों, जे तुसी पंजाब जीके की परफेक्ट तैयारी वास्ते एक बुक फाइंड कर रहे हो तो हुण फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका लिंक मैं ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिता है, जिस बुक में मैं रीड करके तुहानू क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना उही बुक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। करना कि सीधा डिस्क्रिप्शन में जाना है तो लिंक पर क्लिक करना, तो अमेजोन पर वो बुक ऑर्डर कर लेनी है, एंड तुसी कैश ऑन डिलीवरी भी बुक में ऑर्डर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 192 की गल करिए दोस्तों, गुरु हरकृष्ण जी दिल्ली में कितने रहे सन? तो रायसीना विखे अंबरदा मिर्जा जय सिंह के घर दिल्ली में हरकृष्ण जी रहे। क्वेश्चन नंबर 193 की गल करिए, जय सिंह का घर हूँ डैश के तौर पर जाना जाता है? तो गुरुद्वारा बंगला साहिब जय सिंह के घर के नाम नाल जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 194 की गल करिए, गुरु हरकृष्ण जी के समय मुगल सम्राट कौन सी? तो औरंगजेब गुरु हरकृष्ण जी के समकालीन सन। क्वेश्चन नंबर 195 की गल करिए, गुरु हरकृष्ण जी जदों गुरुगद्दी उपर बैठे तो उन्होंने उम्र की सी? 5 साल की उम्र से उन्होंने। देखो दोस्तों, जो तुम पंजाब के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन्होंने लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट ने, इसलिए सिर्फ वीडियो में देखा ना करो, अपने नोटबुक के नाल ही नाल राइट डाउन भी करते रहा करो। एंड क्वेश्चन नंबर 196 की गल करिए, जदों गुरु हरकृष्ण जी गुरुगद्दी उत्ते बैठे तो उसके विरोध में कौन सी? तो राम राय ने गुरु हरकृष्ण का विरोध किया कि उसने गुरुगद्दी नहीं मिलनी चाहिए, मैंने मिलनी चाहिए। हूँ यह सवाल थोड़े लिए दोस्तों, हूँ राम राय कौन सी? जो तुम मेरी पिछली वीडियोज़ ध्यान नाल देखिया ने तो तुम्हें जरूर पता होगा कि राम राय कौन सी, जे पता है तो वीडियो में कमेंट करके दस जरूर दो। क्वेश्चन नंबर 197 की गल करिए, गुरु हरकृष्ण जी ने दिल्ली किसने बुलाया से? तो औरंगजेब ने गुरु हरकृष्ण जी ने दिल्ली बुलाया से। क्वेश्चन नंबर 198 की गल करिए, गुरु हरकृष्ण जी ने दिल्ली कदों गए से? गुरु हरकृष्ण जी दिल्ली कदों गए से? तो 1664 ईस्वी में गुरु हरकृष्ण जी दिल्ली गए सन। एंड नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, गुरुद्वारा बाला साहिब कितने स्थित है? तो दिल्ली में ही गुरुद्वारा बाला साहिब स्थित है। 200 नंबर क्वेश्चन की गल करिए, जो गुरु हरकृष्ण जी दिल्ली गए से उस समय किस किस्म की बीमारी फैल रही थी? तो हैजा और चेचक नामक बीमारी उस टाइम काफ़ी फैल रही थी। दोस्तों, अगे चलने तो पहले एक छोटी जी इनफॉर्मेशन तुहाडे लई, जे तुसीं पोलिटिक कंप्यूटर जनरल साइंस एंड पंजाब जीके दे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की PDF फाइल में बाय करना चाहते हो, जिसका प्राइस सिर्फ 44 रुपीज़ है, एंड इस PDF फाइल में 2016 तो बाद पंजाब जिन्हें भी गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं उन्होंने जो रिपीट क्वेश्चन हुए हैं एग्जाम में वह इनकलूड किए गए हैं। काफ़ी कैंडीडेट्स ने यह PDF फाइल ऑलरेडी बाय कर ली है। जो तुम भी अपने एग्जाम की तैयारी को परफेक्ट बनाना चाहते हो तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इससे मैंने फॉलो करके मेरे नाल गल करके फिर तुम इस PDF फाइल में बाय कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 201 की गल करिए, गुरु हरकृष्ण जी के ज्योति जोत समाने का समा की सी? तो 1664 ईस्वी में गुरु हरकृष्ण जी ज्योति जोत समा गए। क्वेश्चन नंबर 102 की गल करिए, गुरु हरकृष्ण जी का संस्कार कितने किया गया? तो यमुना नदी के किनारे गुरु हरकृष्ण जी का संस्कार किया गया। हूँ गल कर रही ने आप गुरु तेग बहादुर जी रिलेटेड जिन्हें भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 203 की गल करिए, सिख धर्म का नौवां गुरु कौन सी? तो गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के नौवें गुरु सन। क्वेश्चन नंबर 204 की गल करिए, गुरु तेग बहादुर जी का जन्म कदों होया सी? 1 अप्रैल 1621 ईस्वी में अमृतसर विखे गुरु तेग बहादुर जी का जन्म होया सी। क्वेश्चन नंबर 205 की गल करिए, गुरु तेग बहादुर जी के माता पिता का नाम की सी? तो गुरु हरगोबिंद अते माता नानकी गुरु तेग बहादुर जी के माता पिता का नाम से। क्वेश्चन नंबर 206 की गल करिए, गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी का नाम की सी? तो माता गुजरी गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी का नाम से। एंड दोस्तों, जो तुम्हें किसी होर टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक का नाम मैं वीडियो कमेंट में लिख दो, तो मैं नैक्सट पार्ट है जो वीडियोज़ के वह तुम्हें उस टॉपिक रिलेटड प्रोवाइड करवा देंगा। क्वेश्चन नंबर 207 की गल करिए, माता गुजरी जी किसकी पुत्री सन? तो लखनौरी का लाल चंद उन्होंने पिता सन।
क्वेश्चन नंबर 208 की गल करिए, गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र का नाम की सी? तां गोबिंद राय गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र का नाम से। क्वेश्चन नंबर 209 की गल करिए, गुरु तेग बहादुर जी ने कदों तो कदों तक गुरुगद्दी संभाली? तो 1664 ईस्वी तो लैके 1675 ईस्वी तक गुरुगद्दी संभाल के रखी। क्वेश्चन नंबर 210 की गल करिए, गुरु तेग बहादुर जी ने किहड़े किहड़े शहर की स्थापना की सी? तो चक नानकी आनंदपुर साहिब विखे गुरु तेग बहादुर जी द्वारा बसाया गया शहर है। तो क्वेश्चन नंबर 211 की गल करिए, गुरु तेग बहादुर जी के समय मुगल सम्राट कौन से? तो इन्होंने समय भी औरंगजेब मुगल बादशाह से। क्वेश्चन नंबर 212 की गल करिए, गुरु तेग बहादुर जी ने एक होर नाम वजो जाना जाता है? तो इन्हों हिंद की चादर वजो भी जाने जाता है। क्वेश्चन नंबर 213 की गल करिए, किस दे आदेश से गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम करके शहीद कर दिता गया से? तो औरंगजेब के आदेश से गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम कर दिता से। क्वेश्चन नंबर 214 की गल करिए, गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम किस द्वारा कर दिता गया से? तो समाणा के जलाल उद्दीन द्वारा गुरु तेग बहादुर जी का सिर कुहाड़ी नाल कट दिता गया से। क्वेश्चन नंबर 215 की गल करिए, गुरु तेग बहादुर जी को कितने शहीद कर दिता गया से? तो चांदनी चौंक दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया से। क्वेश्चन नंबर 216 की गल करिए, उस जगह हुण किस नाम नाल जाना जाता जिथे गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया से? उस जगह को किस नाम नाल जाना जाता? तो गुरुद्वारा सीसगंज के नाम नाल जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 217 की गल करिए, गुरुद्वारा सीसगंज किस द्वारा निर्माण किया गया से? तो सरदार बघेल सिंह नामक एक सरदार से, उन्होंने गुरुद्वारा सीसगंज का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 218 की गल करिए, गुरु तेग बहादुर जी के शरीर का संस्कार किस द्वारा किया गया से? तो बिना सिर का शरीर का संस्कार जिहड़ा लक्षी साल लुभाणा द्वारा उसकी झोंपड़ी में किया गया से। क्वेश्चन नंबर 219 की गल करिए, लक्षी साल लुभाणे की झोंपड़ी में हूँ किस नाम नाल जाना जाता है? तो गुरुद्वारा रकाबगंज के नाम नाल लक्षी साल की झोंपड़ी में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 202 की गल करिए, गुरु तेग बहादुर जी का कट्टा होया सिर कौन चुके लैके आया सी? तो भाई जैता जी आनंदपुर साहिब लैके आए थे। क्वेश्चन नंबर 203 की गल करिए, गुरु तेग बहादुर जी के कट्टे हुए सिर का संस्कार किस द्वारा से किया गया से? तो गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा गुरुद्वारा सीसगंज आनंदपुर साहिब विखे 1675 ईस्वी में कट्टे हुए सिर का संस्कार किया गया से। ओके दोस्तों, ऐसे सिख गुरु रिलेटड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जे इस तरह की इनफॉर्मेटिव वीडियो तुम रोज़ लाना चाहते हो तो साडे चैनल सबसक्राइब कर लो, तो वीडियो में लाइक कर लो, तो एक प्यारा जिहा कमेंट जरूर कर दो।